अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। किसी ने इसे यहाँ पूजा करते देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लड़की फसाएगी मुझे। शिव सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी के लिए मैं ये पूजा कर रही हूँ। बिंदिया वापस घर की तरफ क्यों जा रही है? कहाँ गई? अभी तो देखा था मैंने उसे, अंदर ही आई थी। कहीं वो औरत नव्या तो नहीं थी? पूछती हूँ। अरे हे युग, चाची नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया लग रहे हो। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हाँ, तुमसे शादी होने के बाद हमारी नव्या एकदम सुधर गई। आज तो सुबह सुबह तैयार हो गई, मुझसे और जीजी से ज्यादा समझदार हो गई है। जाकर वट सावित्री की पूजा भी कर ली जी। हाँ हाँ, मैंने अभी अभी उसे बाहर देखा, पूजा करके अभी अंदर ही गई है। अपने रूम में सो रही है, अभी जगा के आया उसको मैं। आपने कहाँ देख लिया उसे पूजा करते हुए? अच्छा, मैं जाके मिलती हूँ जी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पूजा करनी ज्यादा जरूरी थी। ये रिस्क हमें कितना भारी पड़ सकता था जानती हो? अगर कोई देख लेता तो? मैं तुमसे कुछ पूजा की थाल गिरने लगी तो उसे संभालने के लिए आपने अपना हाथ बढ़ा लिया और मैं यहाँ इतना बड़ा रिश्ता संभालने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं गलत? मैं चेंज करके आपके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, तब तक आप अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। क्या बात कर रही हो तुम? भाई साहब, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो शगुन ही थी। घर के बाहर पूजा कर रही थी, घर में घुसी और फिर गायब हो गई। नव्या भी तो हो सकती है। अरे नहीं भाई साहब, नव्या नहीं थी। युग मिला, मैंने उससे पूछा, वो बोला कि सो रही है। शगुन क्या? लेकिन ये व्रत तो पति के लिए रखा जाता है और शुभ मर चुका है फिर? परिवार वाले बोले तुम उन्हें चूना लगा सकते हो। लेकिन मुझे नहीं, इसलिए झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। पूजा में गई थी ना? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ चालाकी बिल्कुल नहीं। नहीं मिला, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। झूठ बोलना आप लोगों का काम है। हमारे जैसे लोग अच्छे से जानते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आपने मुझे मारने की कोशिश की, शिवसर की गाड़ी में बॉम्ब भी आपने लगाया। ये खेल आपने शुरू किया और खत्म मैं करूंगी। आपकी सच्चाई पूरी परिवार के सामने मैं ला के रहूंगी। कैसे लाओगे तुम मेरा सच बाहर? कौन करेगा तुम्हारी बातों पर विश्वास?
अम्मा जी तो मुझे अपना बेटा समझती है, करने का तो मेरी पूजा करती है। पूजा का समय हो गया है और ये बिंदिया कहाँ रह गई? बिंदिया अब तुम्हारे सामने तो हमने कबूल कर दिया, अब तुम्हारे सच की बारी। बोलो तुम पूजा में क्यों गई थी? ये चूड़ियां तुमने क्यों पहन के रखी है? शुभ तो मर चुका है ना, किसकी लंबी उम्र के लिए तुम पूजा कर रही हो? है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी। ये शगुन मेरे हाथों से कुछ गलत करवा के रहेगी। ये सब क्या है युग? अभी आज वट सावित्री की पूजा है, सब बीवी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती हैं। सीरियसली? हाँ, काकू और काकी भी करती हैं और अब तो व्हाट? सीरियसली युग, भैया को गए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और तुम चाहते हो कि मैं साड़ी चुड़ी पहन के तुम्हारे लिए सच सच की पूजा करूं? नव्या, ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये तो एक ट्रेडिशन है। आई एम सॉरी, पर मुझसे ये नहीं होगा। नव्या, मैं तुम्हारे दुख को कम नहीं समझ रहा हूं, पर ये पूजा मिले जरूरी है। प्लीज नव्या, इतना तो कर ही सकती हो अपने युग के लिए। मैं अपने युग के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, पर ये मुझसे नहीं होगा। शगुन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो आज तुम्हें बताई देते हैं, तुम्हें कमरे में बंद करने वाला मैं था, आग लगाने वाला मैं था। आज तक इस घर में जो कुछ भी गलत हुआ है ना, सब मैंने करवाया है। अब तुम्हारे सामने तो हमने कबूल कर दिया, अब क्या उखाड़ोगी तुम हमारा? है शुभ की गाड़ी में बॉम फिट करने वाला मैं। अब इतना शेयर कर रहे हैं तो ये भी बता देते हैं कि शुभ के माँ बाप को टपकाने वाला भी मैं। आसानी से टपका दिया आपको। ये सब क्या है विजय? ये सब झूठ है दादी। शुभ की गाड़ी में बॉम्ब फिट करने वाला मैं। इन्हें पकड़वाने के लिए मुझे इनके खिलाफ ऐसा करना पड़ा, कहीं हम तो नहीं फंस जाएंगे? दादी मुझे माफ करना, पर ये सब मैंने अपनी खुशियों के लिए, अपनी मर्जी के लिए नहीं किया। ये सब मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए किया है। कहीं ना कहीं इस परिवार में रिश्तों की नींव बहुत कमजोर है, तो बस उन्हीं को संभालने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना दादी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर रहे हो तुम? Thank you.
तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जानती हूँ कि गाड़ी में बॉम्ब किसने प्लान किया था। आपकी फूफा जी कभी कभी अपने ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।